कुछ किस्से सुनाता हूँ जवानी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। पगड़ी मैली कर लो लेकिन उसका दामन। अच्छा, किसी को कैसी लगती है, किसी को कैसी लगती है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे वाह भाई वाह। देखिए, पुरुष और महिलाओं में मेरे एक मित्र ने बताया फर्क होता है। मैंने कहा क्या फर्क होता है तेरे हिसाब से। महिलाएं जो हैं वो चीजों को बताती है, लेकिन हम पुरुष लोग सादा जीवन उच्च विचार कुछ बताते नहीं हैं। मैंने कहा कैसे। बोले महिलाएं मान लो 500 रुपए का कोई जूता खरीद ले आए, सब सहेलियों को बताएंगी मैंने ये खरीदा है, ना बढ़िया है, तू भी जाके ले आ, मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। हम लोग 1500 का दारू पी जाए, घर आके सो जाते हैं चुपचाप। किसी को नहीं बताते, इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। जो किया है उसका क्यों करो प्रचार, उसका प्रचार मत करो। अच्छा वैसे करने के लिए है क्या, क्योंकि एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि शादी के पहले आप क्या करते थे। बोले जो मन करता था। लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम वही करते हैं जो कहा जाता है, और जिंदगी में वही करना चाहिए जो कहा जाए, क्योंकि जिंदगी में जीवन साथी जो कहता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, माँ बाप जो कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मैं जो कहता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये जो कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इनके लिए हम कहते हैं वाह भाई वाह। तीन साथी जो तीनों ही एक समान कलर में बैठे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि नीले रंग के कपड़े तीनों ने पहने में बड़ा अच्छा लग रहा है। दो जो हैं वो बिल्कुल अपने अनुभवी वेशभूषा में बैठे हैं वेस्ट कोट में, एक जो बिल्कुल जवान है कोट पैंट के बैठा है, और वो बिल्कुल अच्छा, उसकी उसकी कविताओं में भी जवानी है रवानी है, पर ऐसा नहीं है कि इनकी कविताओं में जवानी नहीं है, ये बड़े अनुभवी जवान है, क्योंकि ये किसी जमाने में जवान हुआ करते थे और अपनी जवानी की बातों को लेकर आज हमारे बीच में आएंगे। चलिए पहले कर लेते हैं उनका परिचय मंच के इस कोने के अंदर। मुझे बड़ी खुशी है, पहली बार हम जब किसी व्यक्ति को देश को सौंपते हैं कि भाई एक नया कवि नया शायर हमारे इस आसमान पे आया है और सारी दुनिया में छा जाने को बेताब है, तो उसे सुन के हम देश के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। आज हम वरुण आनंद को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप जानते हैं लुधियाना से हमारे बीच में आते हैं वरुण आनंद, हम उनका स्वागत करते हैं। वरुण आनंद, गणित का एक सिद्धांत होता है एवरेज, एवरेज मतलब किसी की उम्र 22 साल है और अगले की उम्र 34 साल है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, जो उम्र आएगी वो एवरेज है। आप अशोक भाटी और गोपीनाथ उपेक्षित जी दोनों का चेहरा देखिए और दोनों के सर के बालों को जोड़ लीजिए, एवरेज निकल आएगा। एक के मैदान पे अभी तक खेती लहलहा रही है, दूसरे का मैदान बिल्कुल साफ है। यात्रा में एक व्यक्ति आता है, आप जब भी यात्रा में जाते हैं एक व्यक्ति आता है कुछ सामान बेचने के लिए, है ना, तो आप समझ लीजिए भी व्यक्ति मैं हूं आज और सामान बेचने के लिए आया हूं। भाई साहब मेहरबान कदरदान, पानदान पिकदान, सारा का सारा खानदान, आप अपने घर से इस घर में जा रहे हैं, इस यात्रा में बस में बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठ के इधर से आ रहे हैं और जा रहे हैं, 5 रुपया आप खर्च करते हैं, 5 रुपया में आप रगड़ते हैं वो चीज जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, 5 रुपये में फूकते हैं वो चीज जो आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, 5 रुपये आपके जेब में निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस 5 रुपये के लिए आपके लिए कविताओं की किताब लेके आया हूं, कविताओं की किताब में ठहाके हंसी है चुटकुले कविताएं, इसे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे, इसे खरीदे भाई साहब, कविताएं कविताएं कविताएं, और कविताओं में लिखा है वाह भाई वाह। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, और मैं सबसे पहले उसे बुलाना चाहता हूं जो अपनी मोहब्बत की शायरी से आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। हम बुलाते हैं वरुण आनंद। तो मिस्रों से अपनी बात शुरू करता हूं, गौर फरमाइएगा। जी जी, जैसी मैंने चाही थी ना वैसी इनमें खनखन नहीं। अच्छा, जैसी मैंने चाही थी ना वैसी इनमें खनखन नहीं, जितने प्यारे हाथ हैं तेरे उतने प्यारे कंगन हैं। वाह,
जो कहना है दुनिया वालों मुझसे कहो तनकीद करो, मेरी पगड़ी मैली कर लो लेकिन उसका दामन नहीं। तेरी निगाहें नाज से छूटे हुए दरख्त। मैं बच्चों को इस लाइन का अर्थ भी समझा देता हूँ। नहीं समझ, तेरी निगाहें नाज से छूटे हुए दरख्त मतलब वो पेड़ जो तेरी निगाह में आए नहीं, नजर में आए नहीं, वो छूट गए। जी, तेरी निगाहें नाज से छूटे हुए दरख्त, मर जाएं क्या करें बता सूखे हुए दरख्त। हाय हाय, हैरत है पेड़ नीम के देने लगे हैं आम, अच्छा पगला गए हैं आपके चूमे हुए दरख्त। क्या बात है वरुण, बहुत अच्छे। अपनी आंखों में भर कर ले जाने हैं मुझको उसके आंसू काम में लाने। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अपनी आंखों में भर कर ले जाने हैं मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं। देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। अरे वाह, क्या बात है वरुण, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। हम तुम एक दूजे की सीढ़ी हैं जाना, हम तुम मिकदू जे की सीढ़ी है जाना, बाकी दुनिया तो सांपों के खाने हैं। क्या बात है, वाह वाह। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। क्या बात है, उससे मोहब्बत एक तरफ है उससे झगड़ा एक तरफ। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया शेर है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया वरुण। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, चीज शय, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ। हाय हाय, बहुत बढ़िया। एक नज्म है आखिर में वो सुनाना चाहता हूं आप सबको, मुलाहिजा फरमाएं कि झीले क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा, खुशियां क्या हैं उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई, सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी। अरे वाह, सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी, गर्मी क्या है उसका गुस्सा, और बहारें उसका हंसना। दुनिया क्या है, एक जंगल है, और तुम क्या हो पेड़ समझ लो, और वो क्या है एक राही है, क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या करते हो उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत मतलब पेशा, उससे मोहब्बत उससे मोहब्बत उससे मोहब्बत उससे मोहब्बत। वाह वाह वरुण, वाह। सारी दुनिया उसका चरबा तेरा चेहरा एक तरफ, हम जो बोले वो सब बोले पर तेरा कहना एक तरफ। वरुण तुमने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, जवान दिलों की धड़कन बन के पढ़ाया, और मुझे बड़ी उम्मीद है तुम्हारी पीढ़ी से कि जब तुम्हारी पीढ़ी में इतना अच्छा कहने वाले इतना अच्छा लिखने वाले हैं तो साहित्य का अदब का कविता का गज़ल का संसार जो है वो बड़ा सुखद है, इसमें रोशनी होने वाली है, और मुझे लगता है आप लोग आफ्ताब बनेंगे इस आसमान के और अपनी रोशनी बिखेरेंगे। भाई कविता और गज़लों का असर कई बार अन्यत्र स्थान पे अन्यत्र ढंग से भी हो जाता है। अब जैसे वरुण आनंद की ये गज़ल बहुत लोगों ने सुनी, एक जगह कहीं पढ़ी इन्होंने, तो एक साहब ने भी सुनी, और सुन के फिर उन्होंने मतलब ये गजल नहीं है जो नज्म जो थी
नज्म सुनी, उसके बाद कहा कि काम क्या है, इससे मोहब्बत करते क्या हो, इससे मोहब्बत क्या खाते हो, इससे मोहब्बत करना क्या है, इससे मोहब्बत। जिंदगी में कविता को अगर आप अलग जगह पढ़ लें तो अलग ढंग हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने का अंदाज जो है वो बात को बदल देता है। एक ऐसे अनुभवी कमी हमारे बीच में है जिन्हें अपना अंदाज आता है। राजस्थान में एक शहर है गंगापुर सिटी, जो जयपुर के पास है। राजस्थान में दो गंगापुर है, एक गंगापुर भीलवाड़ा के पास है, एक जयपुर के पास है। तो जयपुर के पास जो गंगापुर सिटी है वहाँ गोपीनाथ चर्चित जी विराजते हैं, और गोपीनाथ चर्चित जी हास्य व्यंग के एक अनूठे कवि, उनके पास अपना अंदाज और अपना अनुभव है। तो आइए उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। गोपीनाथ चर्चित जी आइए। शैलेश जी, एक बार एक अत्यंत सुंदर नायिका, अच्छा अगर सीधी भाषा में कहूं तो बहुत खूबसूरत नायिका, मेरे सामने खड़ी थी। अच्छा। और मेरे को किसी ने कहा कि इस नायिका का सौंदर्य का वर्णन करो कविता में। देखो साहब, उपेक्षित जी के बाल देखो आप। मतलब एक जमाने में गोपीनाथ जी उपेक्षित थे, अब तो ये चर्चित है, तो गोपीनाथ चर्चित जी के बाल देखो आप, और फिर अंदाज, उसके सौंदर्य का वर्णन। भाई कमाल है गोपीनाथ जी, मैं आपकी इस अदा पे वारी जाऊं, भाई क्या बात है। इस पर एक बात कहूं आपको? जी बिल्कुल कहिए। सिर के केसन देखकर चर्चित मन हर्षाए, और चंद्रमुखी बाबा समझ निकट हमारे आए। तो उस सुंदर नायिका का श्रृंगार का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन मैंने कविता में किया इस उम्र में जी, और उसके सुंदरता के लिए उपमाएं ढूंढने मैं सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से उपमाएं ढूंढ कर लाया। सुंदरता की उपमाएं सब्जी मंडी? देखिए आप, नायिका खड़ी है सुंदर और उपमाएं सब्जी मंडी की, और गीत मेरा। अरे गोभी सा है तेरा गोल बदन। गोभी सा है तेरा गोल बदन, खरबूजे सा तेरा खिला है मन, तेरे केश जो काले बैंगन, तेरे केश जो काले बैंगन, आंखों में अंगूरी चितुवन, तू सब्जी मंडी लगती है, तू सब्जी मंडी लगती है, अपने ग्राहक को ठगती है, क्यों सब्जी लेने जाऊं मैं, क्यों सब्जी लेने जाऊं मैं, तू यही मुझे दे सकती है। मैं हूँ माली तू है उपवन, मैं हूँ माली तू है उपवन, गोभी सा है तेरा गोल बदन, गोल बदन, और तेरी कमर, तेरी कमर कटहली चितराई, तेरी कमर कटहली चितराई, गर्दन लौकी सी गदराई, तेरे गालों को गाजर के दूर, तेरे गालों को गाजर के दूर, होठों पे छाई अमराई, ककड़ी के पहन लिए कंगन, ककड़ी के पहन लिए कंगन, गोभी सा है तेरा गोल बदन। उसका स्वभाव देखिए, स्वभाव भी सब्जी मंडी से ही, स्वभाव का भी रूप देखिए आप। अच्छा, किसी को कैसी लगती है, किसी को कैसी लगती है, देखिए आप। कोई कहता है तू फीकी है, अच्छा उदासीन, कोई कहता है तू फीकी है, हरियल मिर्ची सी तीखी है, तू जमी कंद सी है कठोर, पर पिंड खजूर सी मीठी है। तू पिंड खजूर सी मीठी है, गन्ने सी है मधुरम मधुरम, गन्ने सी है मधुरम मधुरम, गोली सा है तेरा गोल बदन, खरबूजे सा तेरा खिला है मन। क्या बात है, वाह, अरे वाह वाह गोपीनाथ जी, क्या बात है। ये कल्पना मात्र ही कमाल की है, सब्जी मंडी की उपमा है, ये आसान थोड़ी है।
ये मतलब ये देखिए ये अनुभव है, खरबूजे सा मतलब क्या तेरा गोभी जैसा तेरा गोल बदन। लेकिन गोपीनाथ जी मैं आपका निश्चित तौर पे ये हास्य में विषयों की खोज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, लेकिन आपने जिस ढंग से नए विषय को खोजा है, अगर अच्छा मैं भी आपकी सब्जी मंडी कविता की सब्जी मंडी से तुलना करूं उपमा करूं तो है ना, आपकी उम्र पालक जैसी है। समझिए इसमें अर्थ है, पालक मतलब पालने वाला जो हमारे घर में बुजुर्ग है, आपकी उम्र पालक जैसी है, हंसी अभी भी बालक जैसी है और लहर अभी भी बस के चालक जैसी है। और टमाटर सी लालिमा है, ये ताजगी कविता में टमाटर सी है, और कविता में बिल्कुल हरे हरे मेथी के पत्तों की बांधगी है, कविता सुनते ही भिंडी की तरह चिपक जाती है, कहीं कहीं करेले सी कड़वाहट जरूर देती हो लेकिन गुणकारी है, स्वास्थ्य में बड़े काम आती है। तो ये कविताएं हमेशा सुननी चाहिए। भाई कमाल हो रहा है, यहाँ पे युवा पीढ़ी के वरुण आनंद हैं, गोपीनाथ उपेक्षित जी हैं जो हमारी अनुभवी पीढ़ी के हैं, उनके बीच में अशोक भाटी जी हैं जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इनकी पीढ़ी जो है वो बड़ी कमाल की पीढ़ी है हमारी। ये मेरा लगता है गोपीनाथ जी, अशोक जी और मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है जिसके बचपन की फोटो मोबाइल फोन से नहीं खींची। हमारे बाद तो जितने पैदा हो रहे हैं उनकी फोटोज मोबाइल फोन से खींच रही है। लेकिन अशोक भाटी जी को भी अपने जमाने की बातें कुछ तो याद आती होंगी। वंस अपॉन अ टाइम यू वर यंग, हालांकि आप अभी भी यंग हैं, अभी भी आपकी कविताओं की रवानी जो है वो आपकी जवानी को बरकरार रखे हुए है, लेकिन आपकी जवानी के किस्से अगर हम आप ही से सुने तो कितना आनंद आए। उज्जैन से हमारे बीच में आते हैं व्यंगकार, प्रखर व्यंगकार अशोक भाटी। आपने कहा जवानी के किस्से, जवानी में मुझे बड़े बड़े झटके लगे, मैं आपको सुनाता हूँ दो तीन झटके। सुनाइए। कुछ किस्से सुनाता हूँ जवानी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों, होती थी सुबह रोज मेरी 10 बजे के बाद, सोता था रोज रात को मैं 2 बजे के बाद, सोचता था मैं कोई कम सिन मुझे मिले, पाकर के कोई रूप सी मन में सुमन खिले, थी आस पक्की सजता रहा मैं नहीं रुका, बता बता के अक्स मेरा आई ना थका, तो 18वां बसंत दर्द भारी दे गया, मैं चक्कर में जिसक था उसे पटवारी ले गया। उन्नीसवां लगा प्रयत्न फिर शुरू किए, कुछ मांगी मैंने मन्नतें कुछ लव गुरु किए, गर मिल गई कोई प्रसाद में चढ़ाऊंगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करने भी जाऊंगा, लगा 20वां बसंत हुआ जिससे प्यार जी, किडनैप करके ले गए उसे थानेदार जी। अब जलवे बहुत है थानेदार नी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। 21वें से खुद को मैंने फिर किया तैयार, अच्छा एक दिन जरूर होगा किसी को तो मुझसे प्यार, ये सोच सोच मन में उमंगें बहुत बड़ी, दिल के गगन में आशा की पतंगे भी उड़ी, सारा बोर हुआ सोच कर मैं इस ख्याल से, लगा मिल गया वरदान मुझे महाकाल से, तो जीवन के बगीचे में धतूरा हुआ बड़ा, मैं चक्कर में जिसकी था उसे सरपंच ले और अब जीवन का सबसे बड़ा झटका, सबसे ज्यादा प्यार चाहिए मुझे। थी एक मेरे कस्बे में सुंदर सी हसीना, कर रखा था मुश्किल उसने मेरा जीना, कई गुलफाम उसकी याद में आहे भरते थे, छुप छुप के उसकी रोज रोज बात करते थे, सोचता था हर कोई रोमांस चलेगा, रोमांस का सुनेरा हमें चांस मिलेगा, तो सबके दिलों में प्यार का अरमान था जगा, सब टापते ही रह गए मैं उसको ले बगा। एक पंक्ति, अब जाता हूं मैं उनके यहाँ चाय के लिए, आती है तीनों पास मेरे राय के लिए, आओ भगत करती मेरा फ्रूट जूस से, पाला पड़ा है भाटी जी ये किस खड़ूस से। सामान सजावट के सारे कूड़े हो गए और कमबख्त समय पूर्व तीनों बूढ़े हो गए।
अब तीनों घरों में जूते में ही खीर बटती है, तीनों के तीनों आज मेरा नाम रटती है। दादी बनी है दो, एक नानी है दोस्तों, और सब की सब मेरी दीवानी है दोस्तों, पर मेरे दिल में मेरे घर की रानी है दोस्तों। और कविता चूंकि हास पे समाप्त होना चाहिए, एक पंक्ति आपके भरपूर प्यार का मुंतजर है। मेरे दिल में मेरे घर की रानी है दोस्तों, जो शेर पे सवार भवानी है दोस्तों। बहुत बढ़िया अशोक जी, क्या बात। वाह अशोक भाटी जी, कमाल कर दिया आपने, बहुत बढ़िया जबरदस्त कविता पढ़ी और आपने अपना हाल बताया। लेकिन अशोक जी, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, आप अपनी जवानी के जो काफी प्रचलित किस्से बता रहे थे कि आपने क्या क्या किया है, उनकी बिटिया अदिति सामने बैठी हुई सुन रही है। तो भाई अदिति को जरा माइक दीजिए। तो अदिति भाटी हमारे बीच में। अदिति, अशोक जी कविताएं पढ़ रहे थे, कैसा लग रहा था तुम्हें? तो कविताएं तो हमेशा से हमारे घर में मतलब सबके लहू में है जी। तो आज पापा ने बता ही दिया कि पापा ने रेस्ट में से बेस्ट निकाला है और वो हमारी मम्मी है। तो ही चूज द बेस्ट। भाई वाह अशोक जी, पता चल गया कविता लहू में है। कोई बात नहीं, क्या बात है अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे आने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। भाई जिंदगी में खूबसूरत चीजें होनी चाहिए और हम पढ़ते हैं खूबसूरत चीज की, और हमारा जो सेगमेंट बड़ा खूबसूरत है, इसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। फिल्म का एक दृश्य दिखाएंगे जो बिल्कुल आवाज नहीं होगी, दृश्य देख के आपके दिमाग में क्या आता है जरा ये बताइए। कहानी थोड़ी इल्मी है। ओहो, ये तो ये जो नाराज है पत्नी जी, गोपीनाथ है, गोपीनाथ जी। शैलेश जी जी, ये दोनों वो लड़ रही है इनसे पत्नी। हाँ लग रहा है। हाँ, कई बार बड़ा फायदेमंद होता है पत्नी का लड़ना। अच्छा फायदेमंद होता है। हाँ, तो ये जाने, पर मैं कवियों की स्थिति बता दूं कि पत्नी जब गुस्से में लाल खड़ी होती है, कविता के लिए वही शुद्ध घड़ी होती है। सही बात है, कविता के लिए वही शुद्ध घड़ी होती है। और कविता को जन्म कवि देता है उस समय जब जोर से बीवी की फटकार पड़ी हो। वाह क्या बात है भाई, वाह भाई, कमाल कर दिया आज गोपीनाथ चर्चित जी ने, अशोक भाटी जी ने और हमारे नए युवा कवि वरुण आनंद ने, तीनों ने अद्भुत कमाल किया। क्या बात है, मैं क्या कहूँगा आप लोगों को, आपकी कविताएं लोगों के जहन में हमेशा रहेगी। मुझे जाते आते दो शेर याद आते हैं, एक बड़े मकबूल शायर है, वो कहते हैं कि वक्त जब अच्छा नहीं होता कोई भी अपना नहीं होता। वक्त जब अच्छा नहीं होता कोई भी अपना नहीं होता, और साथ जिसके है तसव्वुर तेरा वो कभी तन्हा नहीं होता। तो ये तसव्वुर, ये ख्याल आपके साथ हमेशा रहेगा। यही कहते हुए हम कहते हैं वाह भाई वाह।